हरे कृष्णा, मैं अंजना गोपी आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज है मंडे, कल था संडे। तो कल तो मंदिर गए थे, आप सभी ने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो आप सिंपली एंड ब्लिसफुल पर देख सकते हैं, दिल्ली ट्रैवलिंग वाला। और बस अभी जो है ना, मैं मंदिर क्लीन करने जा रही हूँ। जो मंदिर एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ बहुत आंधी तूफान चल रहे हैं और धूल मिट्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा चढ़ गई है। तो जहाँ जहाँ तक थोड़ा थोड़ा हाथ पहुँचता है वहाँ तक तो मैं डेली कर देती हूँ, लेकिन आज जो है वो अल्टर बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रहा है। तो मैं अभी वो क्लीन करूँगी और एक एक चीज हटा करके क्लीन करूँगी। और अभी इस मंदिर में बहुत सारे जो काम बाकी है, तो जब भी कंप्लीट होगा मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। अभी तो लग नहीं रहा कि कब शुरू होगा। तो ठीक है, तो अभी मैं जो ऑल्टर एकदम अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है यहाँ पे, और उसको क्लीन करूँगी, फोटोज़ एंड ऑल सब कुछ हटा के एकदम अच्छे से कर दूँगी। तो चलिए अभी मंदिर क्लीन कर लेती हूँ। हरे कृष्णा। ये सारे के सारे जो टॉयज है ना इसमें, ये पैरेट, ये सब गाय, हाथी, सब मैं इसे हटा दिए हैं यहाँ से, ताकि मैं और अच्छे से इसको देख लूँ। यहाँ से सब सामान है त्रांते समाचार कदाक्षम इदाते ना भी क्लीन करने हैं अच्छी तरह से। इनमें भी बहुत सारी जो मिट्टी है ना वो जमा हो जाती है। इसे अच्छी तरह से इस तरह से पोंछ देंगे, देखेंगे आप डिफरेंस देख रहे होंगे दोनों में। ये जो कोने कोने होते हैं इनमें मिट्टी घुस जाती है, देखिए। तो बस अभी हल्का हल्का सा पोंछ लेते हैं, एकदम क्लीन हो जाएगा। तरह डिवोटीज पूछ रहे थे पर्दा कैसे टांगा हुआ है। तो इस तरह से जो है एक यहाँ से जा रहा है, ये जैसे देखते हैं ना आप हॉस्पिटल्स में जैसे लगे होते हैं, जो देखा होगा बिल्कुल उसी तरह का ही कुछ है, लेकिन ये हैवी उसमें मेटल में है। तो ये इस तरह से जो पर्दे इस पर हमने ऐसे लगा रखे हैं। बैकग्राउंड लगा दूं, लेकिन मेरे पास ना एक ही कील है, और कील आएंगी तो लगाऊंगी। तो बैकग्राउंड आपको दिखा देती हूँ। पहला सोच रही थी कि लगा दूं पीछे, ये वृंदावन से लिया था, ये रखा हुआ है, तो सोचा कि आप लगा ही देती हूँ, और ठीक ही लगता है। वैसे तो थोड़ा सा प्लेन बैकग्राउंड होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन ये भी इतना बुरा नहीं लगता, फेस्टिव जैसा फीलिंग आ जाता है इससे। बट कि मैं लूँगी तो फिर उस दिन लगा दूँगी। वैसे तो अच्छी तरह से पोंछ दी है, लेकिन फिर से एक बारी जो है साफ कर लेते हैं, जब तक अभी ठाकुर जी नहीं आ रहे यहाँ पे। बस मैं सोचूं ठाकुर जी उनका आसन भी मैं क्लीन करके रखती हूँ। यहाँ पर सारी फ़ोटोज़ होती हैं ठाकुर जी की, और नीचे होती है हमारी गुरु परंपरा से। जब तक पॉलिश नहीं होगी तब तक रहेगा, लेकिन नहीं क्लीन। तो बस और क्या नाम है ये, हाँ इसको दिखाना था ना, तो ऑफरिंग का प्लेट रख सकते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर ऊपर ही रखती हूँ, बट हाँ जब ज़्यादा होती तो फिर मैं यहाँ नीचे इधर रख देती हूँ। तो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। और ये जो बॉक्स है ये हमारे छोटे जगन्नाथ जी का है, छोटे ठाकुर जी का है, जिसमें मैं मालाएँ वगैरह रखती हूँ। तो ये माला बना देते हैं और मुकुट भी लिया था, ये मैंने बहुत पहले लिए थे।
और इतनी सुंदर फिटिंग है ना इनकी, और आज मैं यही पहनाऊंगी। क्वेश्चन आता है कि ये वाले जो आसन है ये इस मंदिर में फिक्स हैं या फिर आपने अलग से बनवाए हैं? तो जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता है कि पहले ये नहीं थे, और ठाकुर जी को मैं ना बास्केट्स थी बहुत ही हैवी वाली, उनको उल्टा करके बिठाती थी जब ये ठाकुर जी हमारे पास आए थे, और उस टाइम मेरे पास था नहीं आसन, बट कुछ महीनों के लिए तो वो बैठे ही हैं। तो बस इस तरह से जो है आसन बनवाए हैं ये वाले, ये छोटे वाले ठाकुर जी के और ये बड़े वाले ठाकुर जी के लिए, और ये हमने वृंदावन से खुद बनवाया है, ठीक है। तो चलिए अभी जो है मैं ठाकुर जी के वस्त्र बदल लेती हूँ, फिर आपको दर्शन करवाती हूँ। ये भी प्रश्न आता है कि जो आपके ठाकुर जी, क्या आप उनको नहलाते हो? तो नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं नहलाती हूँ। मैं उनको जो एक गीले वस्त्र से और एक सूखे वस्त्र से जो है वो उनको डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि हमारे जो विग्रह हैं वो काष्ठ के हैं, लकड़ी के बने हैं, तो डेली अगर हम उनको नहलाएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं। तो बस अभी जो है मैं फटाफट से जो सुभद्रा मैया और बलदेव जी के जो वस्त्र बदल दूँगी, फिर आपको मैं फाइनली दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैंने दोबारा से लगा दी हैं। फोटोज़ मैंने क्लीन नहीं करी, फोटो एक एक क्लीन करके तब मैं लगा दी जाऊँगी, और फ्लावर्स भी लगाऊंगी, अभी आपको दिखाती हूँ। और ये रहे फ्रेश फ्लावर्स, और बस अभी मैं जो है ना इनको सजा दूंगी, और मैंने वो पुराने वाले जो है वो रख ही दिए क्योंकि वो मिक्स हो गए, वो थोड़े से मुरझा भी गए थे। बस अभी मैं जो ये ठाकुर जी की माला है इसमें, तो ये ठाकुर जी की माला है आप देख सकते हैं इसमें, तो पहना देते हैं पहले ठाकुर जी को, और बाकी फ्लावर्स की जो डेकोरेशन तो मैं कह नहीं कह सकती, इतना अच्छा नहीं करती, बस लगा देती हूँ। सारे के सारे ठाकुर जी और गुरु परंपरा। और ये जो टॉयज़ वगैरह थे ना ये वाले इनको बहुत डीप क्लीन करना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम। तो ये अभी अच्छे से जो है राधिका साफ़ करेगी इसको, और ये जो बर्तन हैं भगवान के इनको मैं जो वॉश करूँगी अभी थोड़ी देर बाद, भी इवनिंग टाइम पे करूँगी, अच्छे से चमका दूँगी। तो ये सब प्लेट्स हैं ये भी हमें साफ़ करनी है अच्छी तरह से, और भगवान का जो बेड है उसको भी हम थोड़ा सा ठीक करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रहे हमारे श्री श्री राधा पार सारथी और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ये छोटे ठाकुर जी, और बाकी आपने देख ही लिए फ्लावर जो थोड़े थोड़े मैंने फ्रेश सजा दिए हैं, क्योंकि वो थोड़े से मुरझा गए थे तो सोचा फ्रेश ही लगा दूं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था, तो आई होप आपको आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको ये जो भी मैं बता रही हूँ या मेरा जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लग रहा है। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगी रहिए। हरे कृष्णा, जगद्गुरु शीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।